A very good morning, dear students. This is Paramji, and today we will discuss chapter number 7, double entry system. Okay, let's start. First of all, learning concepts. So we will discuss meaning of double entry system. Second, rules of debit and credit according to the double entry system. And third is stages of double entry system. So let's start. First of all, meaning of double entry system. Let's see what is the meaning of double entry system. According to this system, every business affects at least two accounts in opposite direction. इसमें कम से कम दो accounts पे opposite effect रहेगा हर transaction का. Okay, for example, purchase furniture ₹10,000. If we will purchase furniture in cash in ₹10,000, तो two account will be affected. First of all, furniture account and second one is the cash account. Furniture will be increase and cash will be decrease. Okay, when asset increases, तो it will be debit. और जब asset decrease होती है, तो it will be credit. Right? तो what is debit and what is credit? तो ये क्या है? तो we can understand these debit and credit with some rules. तो what are the rules? तो second topic is the rules of debit and credit. So let's see the rules and rules of debit and credit according to the double entry system. These are based on traditional approach and English approach. Okay, so further we will divide into two parts. Say first one is the personal account, second is the impersonal account. Personal account further subdivided in three parts: natural personal accounts, artificial personal accounts, and representative personal account. Impersonal account also further two parts: real account and nominal account. तो फर्स्ट पॉइंट इज द पर्सनल अकाउंट. व्हाट इज द पर्सनल अकाउंट? फर्स्ट पॉइंट, पर्सनल अकाउंट. मीनिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट, द अकाउंट विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट्स. ठीक है, पर्सनल अकाउंट क्या है? जो किससे रिलेट है, एक इंडिविजुअल से है या फर्म से है या किसी कंपनी से या कोई इंस्टीट्यूशन से, दैट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल, एनी डेटर, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, कोई भी क्रेडिटर्स अकाउंट. कैपिटल अकाउंट ऑनर का ही होता है, ड्राइंग्स ऑनर से रिलेटेड. बैंक अकाउंट, ठीक है, एनी पर्सन का बैंक अकाउंट. तो व्हाट इज द रूल ऑफ दिस अकाउंट, दिस पर्टिकुलर अकाउंट? पर्सनल अकाउंट के केस में क्या रूल रहेगा? रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. दिस इज द गोल्डन फर्स्ट रूल. फर्स्ट गोल्डन रूल है ये आपका. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल्स. तो फर्स्ट रूल इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. जो भी पर्सन रिसीव करेगा वो ऑलवेज डेबिट होगा, और जो भी गिव मतलब देगा वो ऑलवेज क्रेडिट होगा. ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स. दीज आर द थ्री टाइप्स: नेचुरल, रिप्रेजेंटेटिव एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दीज आर रिलेटेड टू डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स. फॉर एग्जाम्पल, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी पर्सन और ग्रुप को, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्री पेड एक्सपेंसेस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर 6, एक्रूड इनकम एंड अनअर्नड इनकम. नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, दैट इज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि इसमें आएंगी फर्म्स और लिमिटेड कंपनी और बैंक अकाउंट. ओके, these are the types of personal account. Next is the second, real account. That is the impersonal ka first part hai, that is the real account. Kya hote hain real account? Account which relate to tangible or intangible assets of the firm. Isme excluding debtors. Debtors are related to personal, okay, in human being. So excluding debtors are called real account. Okay. एग्जाम्पल है इसमें, जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट, मतलब ऑल एसेट्स हैं इसमें. एक सिर्फ एक्सक्लूड किया है हमने डेटर्स को, बाकी सारी एसेट्स से रिलेटेड ये अकाउंट है आपका. तो व्हाट इज द सेकंड गोल्डन रूल? रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो आ रहा है फर्म में वो ऑलवेज विल बी डेबिट, और जो जा रहा है वो ऑलवेज विल बी क्रेडिट. Debit what comes in, credit what goes out. Always remember it. That is the second rule of account. Okay. Next point is, third is the nominal account.
अकाउंट विच रिलेट टू एक्सपेंसिस लॉसिस गेन्स रेवेन्यू एटसेट्रा आर टर्म्ड एज नॉमिनल अकाउंट. एग्जाम्पल है इससे, मतलब ये सारे एक्सपेंसिस से रिलेटेड है, लॉसिस से रिलेटेड है, या फिर गेन और रेवेन्यू से रिलेटेड है. ठीक है, सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एटसेट्रा, दीज आर द नॉमिनल, रिलेटेड टू नॉमिनल रूल्स. अब थर्ड रूल, थर्ड गोल्डन रूल, दैट इज द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. डेबिट क्या है, जो भी खर्चे हैं और लॉसेस हैं वो ऑलवेज विल बी डेबिट, और ऑल जितने भी इनकम्स और गेन्स हैं विल बी क्रेडिट. ओके, तो दीज वर द थ्री मेन रूल्स. फर्स्ट वन, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सेकेंड वन, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. एंड थर्ड वन इज द डेबिट ऑल एक्सपेंसिस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ऑलवेज रिमेंबर दीज गोल्डन रूल्स. इन गोल्डन रूल्स के ऊपर बेस्ड मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको कलेक्ट करके दिए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दीज एग्जाम्पल्स, ताकि आपको ये रूल्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं कि इनको कैसे अप्लाई करना है. ओके, फर्स्ट इज द पर्सनल अकाउंट के, हमारा रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो कैसे इसको हमने अप्लाई करना है, तो एग्जाम्पल है, पेड रुपीज 20,000 टू हरी. हरी को आपने 20,000 रुपीज पे किए हैं, तो यहाँ एंट्री क्या होगी, यहाँ पर हु इज द रिसीवर, हरी को पे किया है, इट मीन्स हरी इज द रिसीवर. तो एंट्री विल बी हरी डेबिट होगा, तो हरी डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज द फॉर्मेट प्रॉपर. वी विल डिस्कस इन जर्नल, इस जर्नल चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली इसको फॉर्मेट में. अभी हम मैं सिर्फ आपको एंट्री बता रही हूँ. एंट्री क्या होगी, हरी विल बी डेबिट, और सेकेंड अकाउंट फैक्ट हो रहा है इसमें कैश, क्योंकि कैश से उसको पे कर रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट. ओके, तो डेबिट में भी 20,000 और क्रेडिट में भी 20,000. ओके, तो यहाँ फर्स्ट रूल जो है आपका, फर्स्ट रूल का फर्स्ट पार्ट अप्लाई हुआ है, डेबिट द रिसीवर कौन है यहाँ पर, हरी. ओके, एग्जाम्पल नंबर टू, रिसीव्ड रुपीज 10,000 फ्रॉम मोहन. मोहन से आपने पैसे रुपीज जो है 10,000 रिसीव किए हैं, तो मोहन कौन है यहाँ पर, गिवर है. ओके, तो ही विल बी क्रेडिट, तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, तो क्रेडिट द गिवर, मोहन, मोहन इज द गिवर. ओके, ये फर्स्ट रूल का हाफ पार्ट यहाँ मैंने अप्लाई किया है और हाफ पार्ट मैंने यहाँ अप्लाई किया है. ओके बेटा, नेक्स्ट रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का एग्जाम्पल है, दैट इज अ डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, दैट इज अ रूल. अब इस रूल को अप्लाई करना है हमें नेक्स्ट इस एग्जाम्पल में. एग्जाम्पल नंबर थ्री, दैट इज अ फर्नीचर परचेज्ड इन कैश रुपीज 10,000. 10,000 में फर्नीचर परचेज किया है कैश में, तो दो अकाउंट्स पे इफेक्ट आया, फर्स्ट इज द फर्नीचर, सेकंड इज द कैश. फर्नीचर परचेज हुआ है तो फर्नीचर विल बी इंक्रीज, और जो इंक्रीज हुआ है, जो आया है, कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन एंड कैश गोज आउट, तो जो कम्स इन है वो डेबिट कर देंगे. फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कैश गोज आउट, तो टू कैश अकाउंट. ओके, बाय 10,000, 10,000, क्लियर है. तो डेबिट वर्ड कम्स इन, फर्नीचर, एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश. ओके, नेक्स्ट इज द नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट के एग्जाम्पल मैंने लिए यहाँ पर, हमारा उसके अंदर जो हमारा रूल है वो क्या है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स. तो एग्जाम्पल फोर, पेड रुपीज 20,000 फॉर सैलरीज. सैलरीज आपके एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस पे किए जा रहे हैं, तो एक्सपेंसेस जब पे करेंगे तो एक्सपेंसेस विल बी डेबिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में पे हो रही है, तो सेकेंड इफेक्ट होगा कैश के ऊपर, तो कैश अकाउंट विल बी अफेक्टेड. तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाई 20,000, 20,000. तो यहाँ आपका जो रूल है वो है डेबिट द एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर सैलरी अकाउंट आपका डेबिट द एक्सपेंसेस. एग्जाम्पल नंबर फाइव, रिसीव्ड रुपीज 5,000 फॉर कमीशन. कमीशन रिसीव की गई है 5,000 से, तो कमीशन जो है आपकी क्या है, इनकम. इनकम है तो इनकम विल बी क्रेडिट, तो क्रेडिट द इनकम. तो एंट्री क्या होगी, कमीशन विल बी क्रेडिट, सेकेंड अकाउंट आपका इफेक्ट होगा कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट बाय 5,000. तो सेकेंड हाफ इसका क्रेडिट द इनकम है, दैट इज द कमीशन. ओके, तो थर्ड रूल आपका अप्लाई हुआ, कोई भी एक्सपेंसेस है तो वो ऑलवेज आपका डेबिट होगा, और कोई भी अगर आपकी इनकम है वो आपकी ऑलवेज क्रेडिट होगी. ओके, तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट आपका, थर्ड कॉन्सेप्ट है स्टेजेस और पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. ओके, देयर आर थ्री स्टेजेस, ओरिजिनल रिकॉर्ड, क्लासिफिकेशन एंड समरी. ओरिजिनल रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग इन जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम.
हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपने एंट्रीज हैं जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में ही अपने रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल एंट्री। इन्हीं एंट्रीज की हेल्प से हम पोस्टेड करेंगे, पोस्टिंग करेंगे लेजर में, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस की हेल्प से वी विल मेक ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये बनाएंगे हम एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ऑलवेज हर फर्म बनाती है, तो दैट इज कॉल्ड समरी। तो दीज ऑल टर्म्स वी विल डिस्कस इन कमिंग चैप्टर। ये सब चैप्टर्स आने वाले चैप्टर्स में, ये सब एक एक अलग अलग चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे ये सब जो भी हमने यहाँ पर नेम पर्टिकुलरली किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रिपेयर योर नोट्स एंड रिवाइज दीज टॉपिक, लर्न दीज रूल्स, अप्लाई दीज रूल्स ऑन जर्नल एंट्रीज। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप स्माइलिंग।